Welcome part 8 of random variables and distribution functions. इसमें हम आज पढ़ेंगे discrete random variable and continuous random variable. Random variable के बारे में हमने previous class में पढ़ा कि random variable किसको कहते हैं और ये values कैसे ले रहा है, वो previous class में इस channel की playlist में मौजूद है random variable and distribution functions में. तो अब इस रैंडम वेरिएबल के टू टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स ए काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. जब रैंडम वेरिएबल काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज जो रैंडम वेरिएबल ले रहा है उस रैंडम वेरिएबल के जब काउंटेबल वैल्यूज हो तो उस रैंडम वेरिएबल को हम कहते हैं ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज. तो इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के जो वैल्यूज है वो फाइनाइट होते हैं, जिनको हम गिन सकें, जो गिन पाए, सच एज 0, 1, 2, 3, 4 and so on. The probability mass function is used to describe the probability distribution of a discrete random variable. तो इसकी जो distribution function हम distribution function या probability distribution function दिखाने के लिए जो हम use करते हैं इसकी probability, उसको हम probability mass function कहते हैं, जिससे हम इसकी probability distribution दिखाते हैं. तो अब इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद हमें यह समझ आया कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उसी रैंडम वेरिएबल को कहेंगे जिस रैंडम वेरिएबल जब रैंडम वेरिएबल के काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज हो. तो जिस टाइम रैंडम वेरिएबल्स के वैल्यूज काउंटेबल हो, काउंटेबल का मीनिंग यह है कि जिनको हम गिन पाए. जैसे हम टॉस ऑफ कॉइन करते हैं, जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है या हेड या टेल, तो इसमें हम देख रहे हैं जब हम एक्स इसको हम रिप्रेजेंट करें कितना हेड आए, तो हेड इसमें हेड एक बार, हेड नहीं जीरो बार. तो जब रैंडम वेरिएबल को हम काउंट कर पाए, काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले, तो इसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं. तो जब हम यहाँ पर आपने देखा होगा जब हम एक कॉइन को दो बार टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस इस टाइप का बनता है. जो अब हम रैंडम वेरिएबल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एक्स, तो नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर देख लीजिए 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 0. तो ये 2, 1, 1, 1 ये क्या है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. तो इनको हमने गिन लिया. तो इस टाइप के रैंडम वेरिएबल जो काउंटेबल हो, जब रैंडम वेरिएबल का वैल्यूज काउंटेबल हो, तो उस रैंडम वेरिएबल को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं. अब इसके बाद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मीन हम कैसे निकालते हैं. मीन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज एस्टिमेशन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इनटू पी ऑफ एक्स. ये पी ऑफ एक्स क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है. ये पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. ये देख लीजिए यहाँ पर, ये यहाँ पर रैंडम वेरिएबल इसका 2, 2 बाय 4. ये 4 क्या है, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल स्पेस में टोटल इवेंट्स हैं दैट इज 4. तो 2 बाय 4, 1 की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 4, 1 की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 4, 0 की प्रोबेबिलिटी 0 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 0. इस प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से, यानी पी ऑफ एक्स दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. तो जब हम समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक और कॉलम निकालते हैं, उस उन सभी को ऐड करने के बाद हमारे पास जो ये समेशन या सिग्मा इसको कहते हैं, ये निकालने के बाद दिस इज अवर मीन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है सिग्मा, सिग्मा मीन समेशन ऑफ एड सभी वैल्यूज का एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इस कॉलम का, ये कॉलम निकालने के बाद वायर एक्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन.
तो मेन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मेन निकालने के लिए ये फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है अक्सर। नाउ सेकंड इज द वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से भी, इस सिग्मा स्क्वायर से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस को। वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स इज रैंडम वेरिएबल, इस ये एक्स कौन सा है, दिस एक्स इज दिस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस ऑफ एक्स मीन्स द वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज समेशन सिग्मा एक्स माइनस म्यू। ये म्यू हम ये ग्रीक से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मीन को, मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं इन ग्रीक लेटर्स से। दैट्स इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स पार भी ऐसे लिखते हैं हम, एक्स माइनस एक्स पार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अभी मैंने आपको दिखाया, इस प्रोबेबिलिटी को एक्स माइनस एक्स बार के साथ मल्टीपल करके एक और कॉलम निकालते हैं, उस कॉलम को जब हम समेशन निकालते हैं दैट इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मीन ये है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस निकालने के लिए ये फार्मूला है। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एग्जाम्पल थोड़ा बहुत मैं आपको, और ये तो एक दो तीन एग्जाम्पल हमने देखे ये कैसे निकालते हैं, अब और एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ जिनको मैंने सॉल्व किया है ऑलरेडी। ये देख लीजिए, यहाँ पर इवेंट्स, ये इवेंट, ये रैंडम वेरिएबल है। तो ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को मैं, जो हमारे पास जो वैल्यूज होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। ये भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एग्जाम्पल है, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसकी प्रोबेबिलिटी, एंड ये भी एग्जाम्पल है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसमें जो ये रैंडम वेरिएबल एक्स, ये डिस्क्रीट है क्योंकि इसके जो वैल्यूज हैं वो काउंटेबल है। तो ये भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एग्जाम्पल है, ये देख लीजिए, ये एक्स, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये इसके यहाँ पर वैल्यूज है, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है, ताकि आपको क्लियर हो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कैसे वैल्यू लेता है। नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का अपोजिट है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इफ इट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन सर्टेन लिमिट्स। जब एक रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले रहा है बिटवीन सर्टेन लिमिट्स, लिमिट्स के बीच में, दो इंटरवल्स के बीच में, तो उस टाइम उस रैंडम वेरिएबल को हम कहते हैं ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि ये लिमिट्स के बीच में, इंटरवल के बीच में वैल्यू ले रहा है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आर यूज टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को दिखाने के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो उस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में उसका नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो रैंडम वेरिएबल जब बिटवीन सर्टेन लिमिट्स वैल्यू ले रहा है, तो उस टाइम उस रैंडम वेरिएबल को हम कहते हैं ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किस तरह से वैल्यू लेता है। दिस एक्सिस, ये सॉरी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल किस तरह से वैल्यू लेता है। ये एक्स यहाँ पर ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो ये इसकी फंक्शन है, जैसे उसमें डिफरेंट होते थे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये एक्स जो वैल्यू ले रहा है ये बिटवीन 0 एंड 1, इस 1 के बीच में ये एक्स वैल्यू ले रहा है या वैल्यूज ले रहा है, तो ये काउंटेबल नहीं है। जब हमारे पास एक इंटरवल हो, इसी इंटरवल के बीच में बता रहा है कि वैल्यू ले रहा है लेकिन पता नहीं कौन है, वैल्यूज ले रहा है लेकिन पता नहीं वो वैल्यूज कौन कौन है, तो वो काउंटेबल नहीं है कितने वैल्यूज ले रहा है। तो उस रैंडम वेरिएबल को हम
इसमें कहते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल है। यहाँ भी हमारा जो रैंडम वेरिएबल ये एक्स ये वैल्यूज ले रहा है बिटवीन टू लिमिट्स 0 एंड 1। तो हमने देखा कि जब रैंडम वेरिएबल वैल्यूज ले रहा है बिटवीन टू इंटरवल्स, इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज, तो उस समय हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से, उसको हम करेक्टराइज करते हैं। तो नाउ अब इस नेक्स्ट इज मीन ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मीन हम कैसे निकलें, दैट इज इक्वल टू एस्टिमेशन ऑफ एक्स म्यू। म्यू हम म्यू से हम मीन रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी इनफिनाइट, एंड एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल, और उसकी वो इसमें हम उसमें पी ऑफ एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एफ ऑफ एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसमें पी ऑफ एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीपल करते हैं एक्स के साथ, एंड इसकी इंटीग्रेशन निकालने के बाद हम इसका मेन निकालते हैं। तो अब हम जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में मीन निकालना हो तो हमें सिग्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कंटिन्यूस में मीन निकालना है रैंडम वेरिएबल का तो उसमें हमें यूज़ करना पड़ता है इंटीग्रेशन। नाउ अब इसकी वेरिएंस ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज, इसको हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम ही वहाँ भी एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, दिस म्यू इज मीन एंड एफ ऑफ एक्स इसके डी ऑफ एक्स इसकी इंटीग्रेशन, और इन दो को मल्टीप्लाई करके इसकी इंटीग्रेशन निकालते हैं, दैट इज वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, कंटिन्यूस वेरिएबल एक्स। तो इन दोनों में जो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम निकालेंगे, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ दिस पी ऑफ एक्स सभी वैल्यूज की टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। सेम इसी तरह से इसमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसका मीन एंड वेरिएंस और इसकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, ताकि आपका हेल्प हो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा।